वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ हैप्पी लाइफ। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी और ये व्लॉग मेरे लिए स्पेशल व्लॉग होगा और आप सबके लिए भी स्पेशल होगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। हम लोग जो अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं तो हम लोग कभी कभी बहुत सारी चीज़ों का हम समझ नहीं पाते कि हमको क्या महंगी चीज़ खानी चाहिए, क्या खानी चाहिए। वो ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, महंगे वाले फ्रूट्स खाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप रोज़ाना एक हरी सब्ज़ी भी आप खा लेते हो तो आपकी आँखों की रोशनी, आपकी स्किन और आपकी जो हेयर होती है वो अच्छी ग्रोथ करती है और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आपका काम में मन भी लगता है। तो इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा टिप देती हूँ। एक्चुअली ये मेरा टिप नहीं होगा, ये सब बड़ों से ही सीखा है मैंने और आप सबको भी पता है ये। तो आज मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी क्योंकि बोर भी हो जाते हैं ना कभी कभी लोग देखते देखते, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगेगा देख के। सो ये है मेथी के दाने। जब मैं सुबह वर्क पे जा रही थी तो मैंने इसको इस पानी में भिगो के गई थी। तो चलिए, और 5 डेज के बाद इस अगर मैं आज इसको बोती हूँ मिट्टी में, एक गमले में मैंने मिट्टी भर के रखी है तो उसमें आज मैं ये सीड्स डालूंगी और 5 डेज के बाद मुझे मेथी का साग मिलेगा। तो ऐसे ही आप 2-3 गमलों में डाल ले सकते हो। तो चलें देखते हैं हमारे चलें तो चलिए देखते हैं गार्डन में क्या हाल है। मैं आज ही अभी आई थी, 6 बजे हैं यहाँ पे, देख सकते हो गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा दिन ही बाकी है यहाँ पे। अभी मेरे को कपड़े भी धोने हैं लेकिन थोड़ी देर आपसे बात करके बाद में धोऊंगी। ओके, तो चलिए लाइट ऑन कर लेते हैं, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा है। वाओ, देखिए मम्मी ने मुझे मिट्टी भर के ही दे दिया गमले में, आप देख सकते हैं। ओके, देखिए इस वाले गमले में मॉम ने मुझे मिट्टी भर, मैं आपके लिए इस चेयर पे रख लेती हूँ। इस वाले गमले में मुझे मॉम ने मिट्टी भर के दे दी। इसमें मॉम ने कोकोपीट गोबर का खाद और थोड़ी सी लाइट सी सैंड मिलाई है, देख सकते हो आप किस तरह है ये मिट्टी, इस तरह की। तो अब इसको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से इसको ऐसे थोड़ा लूज़ कर देना है मिट्टी को। देखिए आपको इस तरह से जब आप उसे लूज़ कर देंगे और आपके पास है ये मेथी दाना, तो मेथी दाने को आपने लेने हैं थोड़े से। भिगोया मैंने इसलिए ताकि मेथी जो, और इस तरह से डालना है, मैं आपको फिर बताती हूँ कि मैंने क्यों भिगोया। और लाइट से इसको आपने मिट्टी इस तरह से डाल देनी है, बस ऐसे ही ढक देना है लाइट से, ऐसे ही कर देना बस, और इसको आपने साइड में रख देना है। देख लिया ना आपने, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये मेथी उगाना। और 5 दिन के बाद आप देखोगे तो आपका आपके छोटे छोटे जो मेथी के छोटे छोटे साग है वो उगाएगी। शाम हो गई, कितना अच्छा लगता है ना शाम का टाइम गर्मियों में। वैसे तो यहाँ पे गर्मी जनवरी में ही आ जाती है, मुझे पता है नॉर्थ इंडिया में इतनी जल्दी नहीं आती, अप्रैल लगेगा। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो मैंने गमला रखा है यहाँ पे, इसमें मैंने मेथी बो दी है और ये 5 डेज के बाद आपको, बिल्कुल 5 डेज के बाद आपको निकल जाएगा इसमें जो साग है
और आप उसको ऐसे ही करके, मेरे पास और भी मेथी बची है, मैं उसे और दो पॉट्स में लगाऊंगी। तो इससे क्या होता है, जब 5 डेज़ के बाद आप एक पॉट की मेथी लेते हैं तो ये भी 5 डेज़ के बाद ही उग जाएंगे, 2-3 पॉट्स रेडी रहेंगे। तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप खा सकते हो मेथी की साग हो, या यहाँ पे तो हम लोग दाल में डाल लेते हैं, और कभी कभी आलू मेथी खा लेते हैं। तो अलग अलग तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेथी तो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, आँखों के लिए अच्छी होती है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मेरा थोड़ा वर्क बाकी है, मेरे वर्क थोड़ा सा काम बाकी है, उसको मैंने करना है घर पे, और देखती हूँ अब क्या करना है। अब तो बहुत थक गई, थोड़ा आराम करूँगी, उसके बाद काम ज़रूर करूँगी, क्योंकि फिर कल सुबह काम पे जाना ही है ना। मेरे तो काम भी हो गया, देखिए मेरी हेल्पर है जो आती है, वो मेरा बस बर्तन धो के चली जाती है, तो ये आंगन मैं खुद ही धो लेती हूँ। तो आंगन मैंने धो लिया आके, बस कपड़े के लिए तो मेरे पास मशीन है, तो मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ओ माय गॉड थक जाती हूँ क्योंकि, तो इसीलिए बस मेरी हेल्पर मुझे बर्तन धोने में हेल्प कर देती है। तो वो जैसे ही मैं आती हूँ, वो साइड के घर में भी हमारे नेबर्स के काम करती है, तो मेरे पास भी आ जाती है मेरे को देख के। जैसे ही मेरी स्कूटी देख लेती है तो आ जाती है कि ओके आ गई है, तो इसलिए वो भी आ जाती है। तो आप उगाओगे ना मेथी आज ही, बहुत इजी है, आपके किचन में ही होती है ना मेथी दाना। आप लीजिए, एक ग्लास में भिगोइए, आज अभी अभी जाइए किचन में मेरे वीडियो देखने के बाद, और सुबह जब होगा तो एक पॉट में डाल दीजिए, तो ताज़ी ताज़ी मेथी 5 डेज़ में आ जाएगी आपकी। और बहुत मज़ा आएगा जब खुद की उगाई हुई मेथी खाओगे आप, है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिले। मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी डार्क आएगी, क्योंकि ओह माय गॉड थक गए, ये वीडियो थोड़ी डार्क आएगी क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा हो गया है। मैं सोच रही थी 4 बजे ही निकाल लूँ वीडियो, लेकिन काम था ना तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं। ओके गाइस, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब कीजिए। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय।